हम बनाने जा रहे हैं पाली का प्रसिद्ध गुलाब हलवा। लीजिए शुरू करते हैं हम पाली का गुलाब हलवा बनाना। इसके लिए हमने 2 लीटर दूध लिया है। इसको हम बारी पैंदे वाली कढ़ाई में गर्म करने के लिए रखेंगे। ये हमने बारी पैंदे वाली कढ़ाई में हमने इसको गर्म करने रख दिया है। अब एक उबाल आने पर इसको हमने तेज फ्लेम पर रखा है और उसके बाद हम धीरे करेंगे इसकी फ्लेम को। आप देख सकते हैं इसमें हमारा उबाल आ चुका है। अब इसको हम कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको उबालेंगे जब तक कि ये आधा ना हो जाए। अब हमने गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है और इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। एक बार हम मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म करेंगे और हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें दूध जो लेना है फुल फैट क्रीम लेना है, टोंड दूध मिल्क नहीं लेना है। फुल फैट क्रीम से क्या जो हलवा है अच्छे से बनता है और टेस्टी भी बनता है। हमको ये जो साइड में ये जो मलाई जमती है इसके ऊपर इसको हटाते हुए चलाते हुए इसको गर्म करना है जब तक ये दूध उबल के आधा ना हो जाए। इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, अदरवाइज ये पैंदे पे लग जाएगा नीचे और हमारा जो हलवा है वो ख़राब हो जाएगा टेस्ट में। ये हमारा दूध आधा हो चुका है उबल कर। इसको देख सकते हैं आप, हमने कंटिन्यू चला है। इसके ऊपर हमने साइड में मलाई भी नहीं आने दी है। इसको ऐसे रब करके कुचल के इसकी जो मलाई भी निकाल ली थी हमने सारी। अब हम क्या करेंगे, एक बार गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। अब हमने एक बाउल में एक नींबू का रस लिया है, उसमें 2 चम्मच पानी डाल के इसको डाइल्यूट किया है। अब इसको हम धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे, एक साथ नहीं डालना है। इसको चलाएंगे हम जिससे दूध में दाने पड़ जाए। हमने इसको नींबू के जो पानी है नींबू इसको डाइल्यूट किया था उसको हमने छान लिया जिससे जो इसके जो पल्प है नींबू के वो ना आए। और इसको हम कंटिन्यू चलाएंगे। अब एक बार और डाल रहे हैं हम, इसको 2 बार करके हमने नींबू को डाला है जिससे इसमें हमारे दाने आए। इसको चलाते रहेंगे, अपना आप दाने आने लग जाएंगे इसमें। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है, कंटिन्यू चलाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे दाने आ चुके हैं। अब इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब हमारे इसमें दाने पड़ चुके हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, इसमें चीनी डाल रहे हैं। चीनी हम 250 ग्राम डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको चलाते रहेंगे, अब इसको कंटिन्यू चलाएंगे जब तक कि ये पूरा सूख ना जाए इसका पानी। गैस की फ्लेम को हमने तेज कर दिया है। अब ये इस तरीके से हमारा जो सारा दूध में दाने अलग हो चुके हैं। अब इसको चीनी डालने से इसमें जो ये पानी है इसको हम, पानी हो गया है इसको हमने सुखाना है पानी को। इसको हम कंटिन्यू चलाएंगे और इसको चलाते हुए पकाना है इसको, अदरवाइज़ ये नीचे पैंदे में लग जाएगा। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, कंटिन्यू चलाते रहना है, इसका पानी सुखाना है हमको। देख सकते हैं हमारा कितना पानी इसमें सूख चुका है। अभी और भी इसमें पानी सुखाना है इसलिए हम इसको कंटिन्यू चलाते हुए पानी सुखाएंगे इसका। ये हमारा दूध सूखने लग गया। अब हम इसमें साथ में ऐड कर रहे हैं ये जो दूध में हमने भिगो के रखी थी केसर, वो डाल रहे हैं जिससे इसका कलर भी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है। और साथ में हम डाल रहे हैं इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आप ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालिए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। ये हम 1/4 टीस्पून ही इलायची पाउडर डाल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा स्मेल हो जाएगी, इसमें फ्लेवर ज़्यादा आ जाएगा ज़्यादा इलायची पाउडर से, इसलिए हम थोड़ी सी ही इलायची पाउडर डालें। इसको अच्छे से मिक्स करें और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक इसका सारा पानी सूख ना जाए। और इसका कलर भी चेंज हो रहा है, जैसे जैसे पकेगा वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये हमारा पानी सूख रहा है, इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, कंटिन्यू चलाना है, अदरवाइज़ ये नीचे पैंदे में लग जाएगा और हमारा हलवे का जो है टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसको हम कंटिन्यू चलाते हुए इसको, इसका जो पानी है वो हम सुखा रहे हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने गैस को किया है और कंटिन्यू चलाना है। ये आप देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो चुका है, इसका सारा पानी सूख चुका है। इसमें हम ये पैंदा भी छोड़ने लग गया है, गैस की फ्लेम को धीरे कर दिया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून जितना घी डाल रहे हैं जिससे हमारा इसका जो
टेस्ट है और भी अच्छा है और थोड़ा शाइनी लुक भी आए, ग्लेज आए इसमें से। ये हमारा बनके रेडी हो चुका है, ये हमारा पैन छोड़ने लग गया, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब हमने साइड में एक किनार वाली थाली को, ये हमारा रेडी हो चुका है, गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। अब हमने एक थाली को ग्रीस कर लिया, अब इसमें हम इसको जमाएंगे। ये हमने इसको थाली में हमने जमा दिया, आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया इसका। अब इसको हम ठंडा होने देंगे थोड़ा रूम टेम्परेचर पर। अब साथ में हम इसके ऊपर पिस्ता डाल रहे हैं, गार्निश कर रहे हैं पिस्ता से, आप चाहे तो बादाम भी डाल सकते हैं। इसको हम ठंडा होने देंगे। ये हमने इसको कट लगा दिया स्क्वायर पीसेज में। जी फ्रेंड्स, हमारा बनके तैयार हो चुका है, हमने पहले पिस्ता से गार्निश किया था, उसके बाद में हमने बर्फ लगा दिए। चलिए इसके पीसेस कट करके सर्व करते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, इसको हमने सर्व कर दिया है, बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। राखी आ रही है, आप इसको घर पे भी बना सकते हैं आराम से राखी के फंक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।